आज इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के सभी प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। ये किताब लेखक नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे कामयाब 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब करने में उन्हें 20 साल का समय लगा और एक एक करके हम इस किताब के सभी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है कुछ करने की इच्छा। कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति में कामयाबी की इच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही सफलता के सफर का पहला कदम है। और आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप में उसे करने की कोई इच्छा ना हो, और बिना इच्छा शक्ति के आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होंगे और उसे करने में आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरी इच्छा क्या है और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है, और सिर्फ चाहने से आपको किसी भी कार्य में फील्ड में मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो किसी भी काम को कामयाबी के लिए सबसे पहले जो है आपके मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है फैथ यानी अटूट विश्वास। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब मन में कुछ पाने की इच्छा हो तो उस इच्छा को के कारण मन में एक अटूट विश्वास भी होता है, और किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि ये मुमकिन है और आप उसे पाकर ही रहेंगे। जब आपको इस इच्छा के पूरी होने पर अटूट विश्वास होता है तो आप उसी दिशा में कार्य करते हैं और वह इच्छा आकार लेने लगता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनके माइंडसेट हो जाती है। फैथ बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे इसे करना है बस छोड़ दे, नहीं, उसके लिए डिज़ायर है तो उसमें फैथ भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है तो सेकंड प्रिंसिपल भी ज़रूरी है। अब जो इसका थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, इसका मतलब होता है आत्मसम्मोहन। बचपन से ही हमारे समाज ने और हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की है। समाज कहता है कि हमें उन सीमाओं के अंदर ही जीना है और उससे बाहर जाकर हमें कोई कार्य नहीं कर सकते। यही कारण है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोचते, क्योंकि हमें बचपन में ऐसा बताया गया है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और समाज हमें कहता है कुछ बड़ा करने के लिए के बारे में सोचना भी पाप है। ये सब क्या है, सब कॉन्शियस माइंड है हमारे माइंडसेट में। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमारे अंदर में ये सोचना है कि हम चीज़ कोई भी गोल है उस गोल को कंप्लीट करना है, उसे हासिल करना है, और कुछ भी है तो उसे हमें करके रहना। तो ये हमें सजेस्ट करने का पावर देता है, इसे बोलते हैं ऑटो सजेशन। अब चौथी प्रिंसिपल जो है मतलब विशेष ज्ञान, स्पेशलिस्ट नॉलेज, कि आप किसी चीज़ में उसका आपको खास नॉलेज है उसके बारे में। देखिए, कामयाब होने के लिए हमें विशेष ज्ञान की ज़रूरत है, और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर मात्र ज्ञान हासिल करने से कोई भी कामयाब हो सकता तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और वैज्ञानिक दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी हासिल करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान या कामयाब नहीं होता। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सुविधा आज सबके पास है, और हम किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं है। ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं करते हैं, जो करते हैं वे उस जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए स्पेशलिस्ट। अब जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, देखिए, कामयाब होने के लिए बिल गेट्स ने पहले कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का विशेष ज्ञान हासिल किया, फिर उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा और उनके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और विशेष ज्ञान का इस्तेमाल कर बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो ये भी देखिए बहुत ज़रूरी है। अब जो आता है पाँचवा प्रिंसिपल हमारा इमेजिनेशन, मतलब कल्पना। आप कुछ भी डिजायर को, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप किसी भी डिजायर को करना चाहते हैं पहले आप उसे अपने माइंड में उसे इमेजिनेशन करें, मुझे उसे किस तरह करना है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो लोग भी कुछ इन्वेंशन करने से पहले क्या क्या करते थे कि वो पहले अपने माइंड में इमेजिनेशन क्या करते थे कि मुझे ऐसे करके इसे ऐसे क्रिएट करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, हमें कुछ क्रिएटिव करने के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, कुछ माइंड में भी सोचना ही चाहिए। तो ये मैंने आपको पांच प्रिंसिपल बताए, पहला प्रिंसिपल डिजायर, दूसरा प्रिंसिपल फैथ, और तीसरा प्रिंसिपल ऑटो सजेशन, और चौथा प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट नॉलेज, और पांचवा प्रिंसिपल इमेजिनेशन। ये पांच प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, इस पर हमें फॉलो भी करना चाहिए,
और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें दोस्तों तक, बहुत ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।